अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। नहायत ही मज़ेदार बनती है, बहुत अच्छी बनती है। आप चीज़ें नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून, ये सूखा धनिया है हमने थोड़ा मसल लिया है, ये कलवंजी है थोड़ी सी और राई दाना है, ये ज़ीरा है थोड़ा सा, हल्दी है, बेसन है 5 से 6 टेबल स्पून, प्याज है 1 अदद बड़ा, सब्ज़ मिर्च है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। सब्ज़ ये मिर्च हमने पीस ली है, ग्राइंड कर ली है। ये टमाटर हमने ग्राइंड कर लिया 1 बड़ा। गरम मसाला है, सब्ज़ धनिया है, ये पानी है और ये दही है। ये दही है हमारा, 1/2 किलो दही है। इसे थोड़ा फेंट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भर भर के 2, 3, 4, 5 भर भर के डाल दें। अच्छी तरह से छंटेंगे, अच्छी तरह, और इसमें कोई गुलती ना रह जाएगी, अच्छी तरह हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने फेंट लिया, ये देखो इतना अच्छा हो गया। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे हसबे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तैयार हो गया, देखें हम तैयारी करते हैं इसे पकाने की। ये हमने तेल शामिल कर लिया, तकरीबन 1 कप तेल है। अपना प्याज डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे ब्राउन होने तक ना, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। देखे हमारे हो गए हैं हल्के ब्राउन। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच भूल देंगे अच्छी तरह। मसाले शामिल करेंगे, जीरा, हल्दी है, सुरख मिर्च है, सूखा धनिया है, जो ये थोड़ी सी हल्का सा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह भून लेंगे मसाले को। नमक नहीं शामिल करेंगे, नमक बाद में शामिल करेंगे। मसाला भूल गया। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे जो हमने पीस के रखा हुआ था, 1 टमाटर है बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्ज़ मिर्च हमने ग्राइंड कर ली थी 5 से 6 अदद। अब इसे अच्छी तरह भून लेंगे मसाला इसका भी अच्छी तरह। ये हमारा मसाला देखें तैयार हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे, वो हमने बनाया था ना दही वाला पानी लस्सी बनाई थी, अब इसमें शामिल करेंगे जिसमें हमने बेसन भी शामिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग हमने बिल्कुल नीचे से आस्ता कर ली है, बिल्कुल आस्ता कर लेनी है।
ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाए। आस्ता आस्ता शामिल करें। बिस्मिल्लाह, अब इसे पकाएंगे आस्ता आस्ता। जब इसको एक उबाल आ जाएगा फिर इसमें नमक डालेंगे, पहले नहीं डालना। उबाल आने के बाद इसमें नमक शामिल करना है हमने। ये हमारा एक उबाल आ गया, अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक खाने वाला चम्मच भर के। अब इस हम ना इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे आस्ता आँच पे, पकती रहेगी। पकौड़े बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़े हमने डाल दिए हैं। ये देखो हमारे पकौड़े माशाल्लाह बड़े ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। हमारे हो गए तैयार, अब पकौड़े हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने पकौड़े निकालने हैं। माशाल्लाह बहुत रिश्ता बने हैं, मज़े के बने हैं। हम इसी तरह सारे पकौड़े निकाल लेंगे। रहमानिर्रहीम, हमारे 15-20 मिनट हो गए हैं, हमारी गाढ़ी हो गई है कड़ी। अब हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे। हम उन्हें आग बंद कर दी है। मसाला शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब धनिया शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी अब कड़ी पकौड़ा तैयार है।